नमस्कार, ट्यूसडे के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ नया जानेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है, स्पेशली जब घर में पहला बच्चा होता है और बहुत सालों के अंतराल के बाद एक नया बेबी घर में आता है, तो बहुत सारी चीजें याद नहीं आती एकदम से। क्या करना है, बच्चे की केयर कैसे करनी है, इसीलिए जन्म के तुरंत बाद ही क्या स्टेप्स जरूरी होते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप ये वीडियो उनके साथ बैठकर देखें, ताकि चीजें आप सभी एक साथ समझ लें और उसके बाद एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम नहीं आए। आशा करती हूँ कि आपने YouTube मॉम चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करें। न्यू बॉर्न चाइल्ड है आपके पास, बच्चा जन्म लिया है, कुछ ही घंटे हुए हैं, अब कैसे केयर करना है। जन्म के समय बच्चे का सुरक्षित वजन 2.5 किलो से ऊपर होता है। अगर बच्चे का वजन 2.5 किलो से ऊपर है, तो ज्यादा रिस्क की बात नहीं होती, बच्चा सुरक्षित है, उसकी सामान्य केयर ही करनी है हमको। ये पहला स्टेप था जो बहुत जरूरी था जानना, क्योंकि जिन बच्चों का वजन कम होता है या फिर प्रीमेच्योर होते हैं, उनके लिए कुछ क्राइटेरियाज एक्स्ट्रा होते हैं, कुछ चीजों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हम आज जनरल बातें समझेंगे जो एक सामान्य प्रसव में 2.5 किलो से ऊपर के बच्चों के लिए लागू होता है। तो सबसे पहले जो नाभि में प्लेसेंटा लगी होती है, वो कुछ दिन तक लगी रहती है। तो अलग अलग जगहों पे देखा गया है, कोई इसके साथ कुछ लगाता है, कोई कुछ करता है, उसको बिल्कुल टच नहीं करना है, उसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो खुद से ही ड्रॉप हो जाता है। ना आपको पाउडर लगाना है, ना कोई ऑयल लगाना है, ना कोई वहां पर क्रीम लगानी है, क्योंकि अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ब्लीडिंग हो सकती है बच्चे को उस प्लेस पर, नाभि के स्थान पर, और इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। इसीलिए वहां पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। 5 से 6 दिन में वो खुद बखुद ड्रॉप हो जाता है। लेकिन अगर नाभि में बच्चे के स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ कलर चेंज हो जाता है, तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। अगर रेडनेस आ जाती है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन बच्चे को हुआ है, और उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा लेना जरूरी है। अगली जरूरी बात कि बच्चा जब जन्म लिया, तो जन्म के बाद बच्चा कुछ देर में आपको दिया जाता है, उसके बाद जैसे ही बच्चा आपको मिलता है, पहला दूध जरूर पिलाना है। पहली बार दूध जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे से आए, कुछ बूंदे हो सकती हैं, एक चम्मच पर हो सकता है, लेकिन वो पीला गाढ़ा जो पहला दूध होता है, वो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, उसको फेंके नहीं। पहले के जमाने में लोगों को पता नहीं होता था, इस वजह से उस दूध को फेंकवा दिया जाता था, जबकि वो अमृत है बच्चे के लिए, उसको जरूर देना है। डिलीवरी के 2 घंटे के बाद में आप बच्चे को फीड करा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि दूध बहुत अच्छे से आए, लेकिन आपको फीड कराना है, 2-3 घंटे के अंतराल से फीड कराना है, ताकि जब तक बच्चे का टच आपके शरीर को नहीं मिलेगा, मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए बच्चे को बार बार फीड कराने की कोशिश करें, पहला दूध कभी भी स्किप ना होने दें। अगली सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, उस दिन बच्चे को माँ से स्किन टू स्किन केयर देनी चाहिए। कुछ समय तक बच्चे को माँ से स्किन टू स्किन केयर जब मिलता है, क्योंकि आप समझिए, बच्चा गर्भ के अंदर था, एमनियोटिक फ्लूइड में था, वो बाहरी दुनिया में आया है एकदम से, तो उसको वो माँ वाला स्पर्श जो उसने अंदर महसूस किया, जो फील लिया है अपनी माँ का, वो फील उसको अपनी माँ के स्किन से टच होकर, उसकी धड़कनों को सुनकर मिलेगा। इसलिए बच्चे को माँ से स्किन टू स्किन टच देना बहुत अच्छा रहता है। इससे बच्चे के अंदर जो डर है, घबराहट है, वो निकल जाता है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि बच्चा जन्म ले लिया, हम दूसरे या तीसरे दिन घर चले गए नॉर्मल डिलीवरी में, और सिजेरियन में 4 से 5 दिन में भी अगर आप जाते हैं, तो क्या हम जाते हैं बच्चे को नहला सकते हैं? जरूरी नहीं। जब बच्चा आपको दिया जाता है, तो उसको एक बार वॉश कर दिया जाता है, नहला दिया जाता है, लेकिन अगले 1 हफ्ते तक, यानी कि घर में 1 हफ्ते बाद कुछ रिचुअल्स, पूजा वगैरह, कुछ सेरेमनी होती है, जब तक वो नहीं होता, कम से कम 1 हफ्ते तक बच्चे को स्पॉन्ज बाथ देना चाहिए। और स्पॉन्ज बाथ देते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे की नाभि से थोड़ा सा दूर रखें अपने हाथ को। तो 1 हफ्ते तक बच्चे को स्पॉन्ज बाथ देना एक बेहतरीन आइडिया है। कम से कम 10 से 15 दिन बच्चे की मालिश नहीं करनी है, आप उसको क्लीन करें, कपड़े बदल दें, लेकिन उसका मसाज अभी नहीं करना है। जन्म के बाद कई बच्चों की आंखों से पानी आता है, आंखें चिपक सी जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो इसके लिए डॉक्टर आपको बच्चे के लिए कुछ आई ड्रॉप्स देंगे। अगर नहीं दे रहे हैं और बच्चे को बार बार आंखें जो है बंद हो जा रही हैं और पानी बह रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से आई ड्रॉप्स जरूर लिखवा लें, पूछ लें, इसके बारे में बात करें। इसके अलावा
साफ कपड़ा जो कि सूती हो उसको गीला कर साफ पानी से गीला करके भी आप हल्के हाथों से आंखों को पोंछ सकते हैं। ये प्रॉब्लम जब बच्चे की मालिश स्टार्ट होगी और अच्छे से चेहरे की मसाज की जाएगी तब धीरे धीरे खुद बहुत दूर हो जाती है। कोई चिंताजनक बात नहीं है, लेकिन आपको उस कंडीशन में बच्चे का आई केयर आना चाहिए, हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए आईज के साथ। अब बात आती है कपड़े की। कई लोग बच्चे को बहुत ज्यादा रोल कर देते हैं, बहुत सारे कपड़े लगा देते हैं, एक लेयर दो लेयर पहनाया भी, टोपी भी, और बहुत सारे लेयर्स में कवर कर देते हैं। ये वाइज नहीं है। बच्चे को, न्यूबॉर्न जो बेबी है, उसको उस समय के मौसम में जितने कपड़े हमने पहने हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा कवर चाहिए होता है, और उतना कवर आप बच्चे को जरूर दे, लेकिन अननेसेसरी लेयरिंग बच्चे की ना करें, उससे बच्चे को परेशानी हो सकती है और बच्चा रोएगा, ठीक से सो नहीं पाएगा, उसको कंफर्ट फील नहीं होगा। तो आशा करती हूँ जो बहुत बेसिक बातें थी वो आपने समझ ली और ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। वीडियो कैसा लगा है ये मुझे कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। आप और किस विषय पर जानकारी चाहते हैं ये भी आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।